दर्शक बंधु आम समस्ते देवदेव महादेवंकर पूजा करी थाउ। प्राय अधिकांश मंदिर रे शिवंकर प्रतिमा आउ केउ केउ मंदिर रे शिवलिंगर पूजा पाई थांती। तेणु एही शिवंकर जेतेबेले प्रतिमा उपरे आमर दृष्टि पड़े सेतेबेले शिवंकर जेउ प्रतिमा रे शिवंकर जट मस्तिष्क रे चंद्र बेकरे साप रुद्राक्ष माला एवं देहरे भस्म एवं शरीर रे व्याघ्र छालर परिधान को आम देखी था। किंतु केबे चिंता करिचंती जे महादेव एभली एक स्वरूप धरी आम्भ मानंकु दर्शन दियंती काहेकि मनीष जीवनर मंगल मनीषर आध्यात्मवाद आध्यात्म चेतनार विकसित पाई देवदेव महादेव सर्वदा मनीषर मंगल पाई निजर स्वरूप धारण करिचंती। महादेवंकर जदि मस्तिष्क को आम देखिबा ताहले आम देखिबा जटायु। एही जटायु ही आकाशर प्रतीक। एही जटाऊ जेतेबेले आकाशर प्रतीक हुए सेतेबेले समग्र जनजीवन सजीवता पाई पवन वायु चलाचल होइथाय। जेउठी महादेवंक जटार स्पर्श दि एही पवन समग्र मानव जाति को जीवित करी रखिथाय। एही हिसाब रे महादेवंकर जटायु ही आम जीवनर एकमात्र उच्च बोली बुझिबाकु हुए। महादेवंक मस्तिष्क रे आम देखि थाउ चंद्र। चंद्र हेउची शीतल आउ चंद्र हेउची अंधकार को दूर करिबार एक आलोक वर्तिका। जेतेबेले समग्र मनीष अंधार रे डूबी जाए सेतेबेले प्रतिपूर्णता बुद्धि ही मनीष को उन्नतिर मार्ग देखाए। अर्थात मनीषर अंतर्चेतना अंतर्दृष्टि ही मनीष को सुबाटरे परिचालना करिबा पई मार्ग दर्शाई थाए। एवं एथि पई नीलकंठ परम गरल ज्वाळारे जेतेबेले छटपट हेउथिले सेतेबेले एही चंद्रर सुशीतल किरण ही प्रभुंकु आश्वासना देइथिला। तापरे आसिबा प्रभुंकर रुद्राक्ष मालाकु। माला जपरे व्यवहार करा जाए। तेणु ध्यान मग्न होई जप करिबा बा निरंतर अंतर्निहित चेतना को जागृत करिबा ही प्रकृत पुरुषार्थ। तेणु एही जप धारण पूर्वक प्रत्येक दिन अभ्यासगत रीतिरे अंतर्चेतना को जाग्रत करिबा बा मनरे ओम रो भावना को जन्म देबा एवं एही ओम रो भावना रे आध्यात्मवाद रो विकसित हवा पई प्रभुंकर एही निर्देश स्वरूप प्रभुंक स्वरूप रे लागिची जपमाला। सर्प प्रभुंक बेकरे सर्प गुड़ेई होइथाय। सर्प एक एमिति भयंकर प्राणी जहा दंशन मात्रे मनीष मृत्युवरण करिथाय। तेणु एही भली एक प्राणी को प्रभु बेकरे धारण करचंती। अर्थात निज भितरे थिबा समस्त प्रकार रो अहंकार गर्व मोह माया को जदि प्रतिपालन करि बढ़ई दिया जाए एवं ताकु नियंत्रण करन जाए ताहले ताहा बुली जाई मनीषर जीवन को ही नष्ट भ्रष्ट करि दिथाय। तेणु एही हिसाब रे जीवनर समस्त अंधकार को कबलित करि निज भितरे ग्रहण करिबा बा धारण करि एहाकु नियंत्रण करिबा हेउची प्रकृत पुरुषार्थर एकमात्र उपाय होबा उचित। शरीर रे भस्म अंतिम सत्य हेउची मृत्यु। शरीर थरे अग्नि रे संयोग होइगला परे केवल भस्म ही देखिबा को मिले। तेणु शरीर जेतेबेले इहत्याग करे सेतेबेले भस्मीभूत हुए। किंतु आत्मा परमात्मा को सह मिलन पई शरीर को छाड़ी पुणी एक नूतन शरीर धारण करिथाय। तेणु जीवित थिबा अवस्था रे आत्मार विकसित पई शरीर ही एकमात्र कार्य करिथाय। तेणु शरीर माध्यम रे आत्मार विकास आउ आत्मार विकास रे शरीर जेतेबेले भस्मीभूत हुए सेतेबेले ही परमात्मा सह लीन हबा पई आत्मा बाट पाई थाए। भगवान को संगरे नंदी स्वरूप मध्य आम देखि था। नंदी बिना आसक्तिर प्रतीक। नंदी पाखरे ध्यान एवं स्थिरतार स्वरूप देखा मिलता। तेणु जीवन में आग को बढ़ाक कौन सी विषय प्रति मोह किंबा आसक्ति रहा अनावश्यक। यह ही मानव जगत को शिक्षा देवाई प्रभुंकर स्वरूप नंदी भी एक अंश हो रही था। व्याघ्र छाल व्याघ्र को आम एक हिंसुक प्राणीर आख्या दे था। किंतु यही हिंसता को निज भितर नियंत्रण कर रखा ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तेणु प्रभु स्वरूप मध्यम आमको जनवा चाहती कि आम भितर विकटता हिंसता लोलुपता यह नियंत्रण में रखा दरकार। तेरे शिवंक जोड़ी यही अंश ही प्रकृत मानव जगत को आग को बढ़ेवाई प्रभुंकर स्वरूप यही भाव आम सामने दिव्यमान हूँ। तेणु समस्त शव पर जो आत्मा जाए परमात्मा को मिलन हुए से ही तो शिव।
ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଆମେ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାହିଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଛି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।